हो भाई साहब, क्या वेदर है, क्या वेदर है यार। और मेरे साथ है लेडी राइडर, नाइस राइड। इतने सारे बाइक्स है यार, इतने सारे, क्या ही बताओ यार, मतलब दिल खुश हो गया मेरा। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। सो मॉर्निंग गाइस, आज संडे है और आज मैं निकल चुका हूँ संडे राइड पर। चलिए शुरू करते हैं। राइट टर्न और चलते हैं यूनिट 6 पर। हाँ फ्रेंड यार, आज तो यूनिट 6 का राइड है, यूनिट 6 से खुला हुआ। थोड़ा खाना वाना खाएंगे, थोड़ा मस्ती करेंगे, फोटो वगैरह क्लिक करेंगे, फिर वापस चले आएंगे ग्रुप के साथ। मतलब कुछ भी सामने से आ जाओगे और हम लोग मान लेंगे। नो, ये तो कभी नहीं होगा। सो गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज ग्रीस मंकी और आज आपको एंजॉय करवाऊंगा संडे राइड का। धुचुक 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 धुचुक। ओ हो भाई भाई, धीरे धीरे। मतलब आज संडे का दिन सबके अंदर जूस में इतना भरा हुआ है कि हर कोई इधर उधर से गाड़ी निकालना है यार। शिट मैन, मतलब ये सब सीन देखने से ना थोड़ा बहुत तो डर लगता है यार। इसीलिए ना ये सब सेफ्टी गियर्स में पहनता हूँ। राइड करना है तो भाई विद सेफ्टी करो, वरना मत करो। ये आगे आता है टोल बूथ से मैं पूरा लेफ्ट टर्न ले लूंगा, उसके बाद यूनिट 6 आ जाएगा। मतलब कि जिसको और एक नाम से बोला जाता है वो है बॉम्बे रोड, ठीक है, बॉम्बे हाईवे या फिर बॉम्बे रोड, ऐसी कुछ नाम है। तो थोड़ा रेव हो जाए, ये हुआ ना जोश और ये हमारा लीन। तो यार ये जो हाईवे काफी अच्छा लग रहा है। मेरा चैनल का नाम है ग्रीस मंकी और अगर आप ऐसे टाइप के वीडियोस देखना पसंद करते हैं और भी देखना चाहते हैं तो आप बेझिझक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसकी बेल आइकन को दबा दें, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले गाइस, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगता है। थोड़ा समझा करो यार, आज जो भी मेहनत करता हूँ आपके लिए ही करता हूँ, आपको तो बस मजे से मेरा वीडियो देखना और कुछ नहीं। बेहतरीन रोड, बेहतरीन वेदर, बेहतरीन मोमेंट और बेहतरीन आप सब भी। ऑफ कोर्स यार, आप लोग बेहतरीन है यार, आप जैसे भी है काफी अच्छे है। वेदर भाई साहब, अलग ही वेदर यार, मतलब मजा आ गया यार। ऐसे ही रहा तो भाई आज तो दिन भर इतना मजा आया कि पूछो ही मत। पता नहीं क्यों यार अंदर से ऐसा फील आ रहा है कि यार निकल पड़ू कहीं दूर, बस रुकना नहीं है, बस चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। तो चलो गाइस, मैं आ गया ना, आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि मैं आ गया धूलागढ़ टोल प्लाजा। देखते हैं कि कोई शायद ग्रुप खड़ा होगा और कोई अपना बाइक लगा के, शायद यही है वो ग्रुप, maybe I think so।
ग्रुप निकल चुका है टुवर्ड्स गोलाघाट। देख पा रहे कि लेडी गंग राइडर जो कि अपने सवारी पे सवार हो चुकी है, पहुंच गए रूप नारायण नदी। सच में यार मेमोरीज ताजा हो गया यार। तो आ गए हम लोग रुकजारा हिंदू होटल। अच्छा लग रहा देख के काफी। चलो यार पहुंच तो गए कम से कम। और मेरे साथ है लेडी राइडर। नाइस राइड। तो जैसे कि गाइस आप लोग देख पा रहे कि इतने सारे बाइक्स है यार, इतने सारे क्या ही बताओ यार, मतलब दिल खुश हो गया मेरा। तो चलो गाइस अंदर मिलते हैं, रुकजारा के अंदर घुसते हैं, थोड़ा खा पी लेते हैं, थोड़ा मस्ती करते हैं। चलिए गाइस। सो गाइस आज जैसे कि देख पा रहे कि इधर होटल पे बैठे हुए सबके सब, आपको दिखा दूं थोड़ा। जो ओनर है वो बोल रहे हैं कि आप बैठ जाइए टेबल लगा के, तो हम लोग कुछ खाने का इंतजाम कर रहे हैं क्योंकि उन लोग को शायद पता नहीं होगा कि इतने सारे बाइकर्स आएंगे एक साथ। देखते हैं कब तक खाना मिलता है यार, पसीने से तो पूरा लथपथ हो ही चुका हूँ, क्या ही करें। देखते हैं, खाने का इंतजार करते हैं और खा पी के थोड़ा निकलेंगे फिर वापिस अपने घर की ओर। तभी हम लोग निकलने वाले हैं। लेडी बॉन्ग राइडर नीड मोर एक्सपीरियंस और मैं है, तीनों एक साथ निकलेंगे और घर लौटेंगे बहुत जल्द। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। ग्रुप तीन तीन आज राइड पे हम लोग के साथ आया है, तीन तीन अपाचे 310 RR।
एक है BS4 और बाकी दो है BS6। काफी उम्दा क्वालिटी का बाइक बनाया हुआ है, काफी देख के अच्छा भी लग रहा है गाइस। मौका मिले तो कभी भी रिव्यू भी कर लेंगे। चलिए फिर कभी मिलेंगे। और ये आ गया हमें कोलाघाट ब्रिज, काफी अच्छा वेदर है गाइस। अगर ऐसे ही क्लाउडी वेदर रहा तब तो ठीक है, आराम से हवा खाते खाते निकल जाएंगे घर की ओर। क्या प्यारा क्या सुहाना वेदर बना हुआ है यार, ऐसे क्लाउडी वेदर, ऐसे ओपन रोड और ऐसे अच्छे ग्रुप्स मिल जाए तब तो भाई क्या बात क्या बात। और आज तो ये जो एपाचे 310 RR है सो स्टॉपर है भाई, सो स्टॉपर तीन एपाचे 310 RR। अच्छा गाइस, फाइनली मैं पहुंच गया अपने होम टाउन उत्तरपाड़ा में। जैसे कि ये आप देख ही पा रहे हैं, गेट मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया हुआ है। हाँ, अच्छा लगता है अपना होम टाउन में लौट के, और काफ़ी अच्छा राइड रहा। और ग्रुप मेंबर्स का जो भी जितने भी राइडर्स हैं उन लोग का मतलब जो चलाने का तरीका भी है वो काफ़ी अच्छा है, देख के अल्टीमेटली अच्छा लगा। और नया कुछ प्लान भी हुआ है
जो कि मैं अभी सीक्रेट रखने वाला हूँ, बोलने नहीं वाला हूँ, वो आपको एकदम ब्लॉग में पता चलेगा। वो अभी नहीं, एक दो महीना टाइम लगेगा उसके बाद, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन का इशू चल रहा है। जब तक ये चीज खत्म नहीं होता तब तक तो कहीं बाहर नहीं जा सकते। सो दिस इज ग्रीस मंकी, आई एम साइनिंग ऑफ। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, और हाँ प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, क्योंकि आपको पता ही है कि आपका एंजॉय दिलाने का जिम्मेदारी मेरी, आपको बस वीडियो देखना है, सपोर्ट करना है, शेयर करना है, प्यार बरसाना है। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।